हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन योर यूट्यूब चैनल सर ट्राइड योर नॉलेज। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। आज हम कवर करेंगे 30 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी। तो किस कंट्री ने रिसेंटली नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी लॉन्च की है? ये ऑप्शन कतर, बी ऑप्शन इंडिया, सी ऑप्शन यूएई, डी ऑप्शन चाइना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली इशू इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो रिसेंटली किस बैंक ने अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू की है? ई ऑप्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन बंधन बैंक, सी ऑप्शन एक्सिस बैंक, डी ऑप्शन यस बैंक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेटअप पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन। तो पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपीज अप्रूव किए हैं? ये ऑप्शन 800 करोड़, बी ऑप्शन 600 करोड़, सी ऑप्शन 700 करोड़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन 800 करोड़, टू सेटअप 7,432 पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे देश भर में 7,432 पब्लिक फास्ट चार्जिंग सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपीज अप्रूव किए हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव 800 करोड़ रुपीज अंडर द फेम स्कीम फेज सेकेंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेम स्कीम फेज सेकंड के अंडर 800 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं। फेम मीन फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये स्कीम फर्स्ट टाइम आई थी 2015 में, अब इसका फेज सेकंड चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर पैन आधार लिंकिंग टिल बैन। तो गवर्नमेंट ने पैन आधार लिंकिंग के लिए डेडलाइन कब तक एक्सटेंड कर दी है? ये ऑप्शन 30 जून 2023, बी ऑप्शन 31 मार्च 2023, सी ऑप्शन 30 जुलाई 2023, डी ऑप्शन 30 अगस्त 2023। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन 30 जून 2023। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लिंक पैन एंड आधार फॉर रेजिडेंट्स ऑफ मेघालय, असम एंड जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के रेजिडेंट के लिए पैन और आधार को लिंक करना नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द एसईओ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मीटिंग विल बी हेल्ड। तो एसईओ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग किस सिटी में आयोजित होगी? ये ऑप्शन बीजिंग, बी ऑप्शन न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन मॉस्को, डी ऑप्शन अस्ताना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। अबाउट एसईओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में और इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेजिडेंट के रूप में किसे इलेक्ट किया गया है? ये ऑप्शन अजय सिंह, बी ऑप्शन गगन मोहंती, सी ऑप्शन विजेंद्र सिंह, डी ऑप्शन मैरी कॉम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन, अजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ अजय सिंह हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ अजय सिंह को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेजिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द वर्ल्ड बैंक अप्रूव ए लोन ऑफ $363 मिलियन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो वर्ल्ड बैंक ने किस स्टेट के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए $363 मिलियन को अप्रूव किया है? ई ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन एन ऑनेस्ट एंड फॉर द राइट ऑटोबायोग्राफी टाइटल आज़ाद। तो आज़ाद एक ऑनेस्ट और फॉर द राइट ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? ये ऑप्शन मल्लिकार्जुन खड़गे, बी ऑप्शन गुलाब नबी आज़ाद, सी ऑप्शन अजय मक्कन, डी ऑप्शन जयराम रमेश।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, गुलाब नबी आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फोर्थ एडिशन ऑफ अल्टीमेट टेबल टेनिस बी प्लेड फ्रॉम जुलाई 13 to 30, 2023। तो अल्टीमेट टेबल टेनिस का फोर्थ एडिशन जुलाई 13 से लेके 30 तक कहाँ पे खेला जाएगा? ए ऑप्शन पटना, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द क्यावस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 विच इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन एशिया। तो क्यावस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अकॉर्डिंग एशिया में मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री कौन सी है? ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन चाइना, सी ऑप्शन सिंगापुर, डी ऑप्शन मलेशिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्टिंग ऑफ द फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो कौन सी सिटी फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को होस्ट कर रही है? ए ऑप्शन न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन गांधीनगर, डी ऑप्शन मैसूर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी फंड इज स्पॉन्सर्ड बाय विच यूनिवर्सिटी। तो स्वामी फंड किस यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है? ए ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजी खड्ड ब्रिज विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी। तो न्यूज़ में सीन अंजी खड्ड ब्रिज किस स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? ए ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन उत्तराखंड, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्लोन देसी गिर फीमेल काफ। तो इंडिया की फर्स्ट क्लोन देसी गिर फीमेल काफ का नाम क्या है? ए ऑप्शन नरेंद्रा, बी ऑप्शन गंगा, सी ऑप्शन विराट, डी ऑप्शन बीरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन गंगा। तो आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो बस इतने तक ही थी। मिलता है विशाल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर रोज कुछ नया सीखते रहो और अपने फील्ड में आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।